गाइस सैमसंग की गैलेक्सी एम सीरीज कम प्राइस में अच्छी स्पेसिफिकेशंस वाले स्मार्टफोन के लिए जानी जाती है। और इस सीरीज के मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन की बात करें तो फिलहाल गैलेक्सी M52 5G इस सीरीज का बेस्ट हार्डवेयर वाला स्मार्टफोन है। तो गाइस अभी सैमसंग इसके सक्सेसर यानी कि गैलेक्सी M53 5G पर काम कर रहा है, जिसको अभी Geekbench पर सपोर्ट किया गया है। तो अभी इसके प्रोसेसर की डिटेल्स कंफर्म हो चुकी हैं और काफी कमाल का यह स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी M53 5G की सभी डिटेल्स के बारे में और देखने वाले हैं कि इस बार सैमसंग इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने वाला है। साथ ही बात करने वाले हैं कि अगर आप इसको परचेज करने का सोच रहे हो तो आपको इसके लिए कितना वेट करना होगा। तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो एज यूजुअल यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो गैलेक्सी M53 5G में 6.7 इंच की बड़ी साइज वाली फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि FHD प्लस रेजोल्यूशन वाली सैमसंग की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी, जिसमें 120 हर्ट्ज की सुपर फास्ट रिफ्रेश रेट और फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो चाहे आप इसमें गेमिंग करें या फिर अपना फेवरेट कंटेंट कंज्यूम करें, दोनों हिसाब से इसकी डिस्प्ले में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पर सैमसंग की सुपर एमोलेड डिस्प्ले किसी भी स्मार्टफोन में आने वाली सबसे बेस्ट डिस्प्ले होती है, जिसमें डीप ब्लैक और विविड कलर्स देखने को मिलते हैं। और इसमें तो स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल रही है, तो इसमें लैग फ्री एक्सपीरियंस रहेगा और सैमसंग की वन यूआई 120 हर्ट्ज को काफी अच्छे से सपोर्ट करती है। वहीं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यह स्मार्टफोन अभी Geekbench पर सपोर्ट किया गया है और इसमें MediaTek का Dimensity 900 SoC देखने को मिलने वाला है। अभी इस प्रोसेसर को हम काफी सारे स्मार्टफोन्स में देख चुके हैं, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि यह 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है और इसमें Snapdragon 778G के कंपेयर की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन को 6GB रैम के साथ में सपोर्ट किया गया है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलने वाली है। और यह लॉन्च के साथ ही एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड वन यूआई 4.1 के साथ में आएगा, तो इसमें परफॉर्मेंस वाइज कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा गाइस यह 6000 एमएएच की बड़ी बैटरी और 25 वाट की फास्ट चार्जिंग साथ में आएगा, जिसके बॉटम में यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा। और इस बार यह डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आने वाला है, तो यह भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा। वहीं इस बार भी इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिलने वाला है, जो कि इसके पावर बटन पर लगा हुआ होगा। वहीं अब इसके कैमरास के बारे में बात करें तो अभी सैमसंग सभी स्मार्टफोन्स को फ्रेश न्यू डिजाइन के साथ में लेकर के आ रहा है। वैसे अभी तक गैलेक्सी M53 5G के डिजाइन की कोई ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन इसके रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का OIS के साथ में आने वाला प्राइमरी कैमरा होगा। इसके साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और यहां पर 5.5 मेगापिक्सल के कैमरा होंगे मैक्रो शॉट्स और डेप्थ सेंसिंग के लिए। और इसके फ्रंट साइड की बात करें तो इसके फ्रंट में छोटे से पंच होल कटआउट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा हुआ होगा। तो यहां पर OIS के सपोर्ट से इमेज और वीडियोस की क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट होने वाला है और यह लो लाइट में भी अच्छी क्वालिटी की फोटोज कैप्चर कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें फुल नॉक्स सिक्योरिटी मिलने वाली है, जो कि अभी सैमसंग एम सीरीज के सभी स्मार्टफोन्स में दे रहा है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही इसमें ब्लूटूथ 5.1 और कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी फाइनली इसके लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें तो अभी तक इसका लॉन्च काफी दूर है। इससे पहले सैमसंग ए सीरीज और एम सीरीज के काफी सारे स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा, इसके बाद में यह कहीं मई और जून के मंथ में देखने को मिल सकता है। और इसमें MediaTek का प्रोसेसर दिया गया है, तो इस बार इसका प्राइस थोड़ा अग्रेसिव रहेगा और यह 21,000 से 22,000 की प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहां पर गैलेक्सी M53 5G की सभी डिटेल्स खत्म हो जाती हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम यहां पर ऐसे ही टेक वीडियोस लाते रहते हैं।